गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अनदर वीडियो। आज हम लोग फिर से एक राइडिंग पे जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइज किया है NDG शोरूम, जहाँ से मैं गाड़ी परचेज किया था। एक यहाँ पे पालाना डैम करके कुछ जगह का नाम है, अभी तक कभी गया नहीं, तो जाके देखेंगे कैसा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग जैसे निकलने वाले हैं, 6:30 बजने वाला है रिपोर्टिंग टाइम, तो वहाँ पर 6 बजे दिया हुआ था, तो हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत बार फ़ोन भी आ चुका है वहाँ से। तो चलिए जल्दी करके हम लोग निकलते हैं, फिर आगे जाकर आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। चलिए तो जैसे कि हम लोग NDG शोरूम पहुंचने वाले हैं, कितना टाइम हो रहा है अभी, 6:38 हो रहा है, 8 मिनट हम लोग लेट हैं, तो उतना भी ज़्यादा लेट नहीं हुए हम लोग। आगे हट रहे हो तो सब लोग खड़े हो चुके हैं। गाड़ी लगाओ, लगा चुन लगाओ। तो हम लोग पहुंच गए हैं, बाइक कुछ पहुंच चुका है, बाकी भी सारा बाइक आने वाला है, देखते हैं कितना बाइक आज होगा। तो सब लोग है अभी और आने वाला है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग पूरा सर्कल में खड़ा होके यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऑटो निकल गया, बहुत ज़्यादा साउंड हुआ, मेरे पास मेरा माइक भी नहीं है, भैया के पास रह गया है, तो मोबाइल का माइक से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सर्किल बना के जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो अच्छे से सुनेंगे, अब उसको फॉलो करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो अभी फिलहाल गाड़ी आया है और अभी आया नहीं है कोई, देखते हैं फिर बाकी क्या होता है आगे। कर रहे हैं तो उनको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग राइड किस वे में करते हैं, ओके, क्योंकि अभी तो फिलहाल वैकेंसी क्वान्टिटी बहुत कम है। तो अभी हम लोग क्या है ना कि 2 लेन में या फिर अगर चौड़ा रोड हुआ तो उस पर हम लोग साथ साथ चल सकते हैं, बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में व्हीकल्स होती है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली 2 लेन्स में चलते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, 2 लेन्स बनाएंगे। जगजीत जो है ये पूरी राइड्स का जो हमारा जो शोरूम के थ्रू में जो भी है, जगजीत एक बार हाथ रेस कर दो, ठीक है, ये जो भी वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी है जो ये करने वाले हैं, ये कुछ इशारे करेंगे आप लोग को, तो आप लोग को इनके इशारे को देखना है, समझना है कि ये क्या बता रहे हैं। अगर इनका मतलब ये हुआ, ओके, टू अगर इन्होंने दिखाया तो हम लोग को 2 लेंस में चलना है। 2 लेंस में चलने का मतलब ये रहता है कि उसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी होती है, एक दूसरे को हम लोग को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और एक दूसरे को हम कभी ओवरटेक नहीं करेंगे, रैश में ओवरटेक नहीं करना हम लोग को। हम लोग जो है एक ग्रुप में चल रहे हैं, जो लीड करेगा वो मैं रहूँगा, ठीक है, मेरे पीछे में आप लोग 2 लेंस में आप चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में एक्चुअली हमारा रूट ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग यहाँ से अभी पहले कांड्रा होते हुए फिर चौका निकलेंगे, चौका से फिर हम लोग उधर से गली जो कटती है फिर वहाँ से हम लोग निकल लेंगे रास्ते में, अपना जो वे है हमारा पालना डैम के लिए। और अगर आप में से कोई अगर कोई जो रास्ता देखा हो तो वो भी लीड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग मैप्स यूज कर रहे हैं, गूगल मैप्स, क्योंकि पालना डैम का वे बहुत जन नहीं देखे, वो अभी बहुत जन के लिए अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है कि हम लोग को मैप्स का हेल्प लेना पड़े। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अगर जिनके साथ पिलियंस है तो पीछे में भी मैप्स लगा सकते हैं अपना। और हम लोग का प्लानिंग ऐसा है कि पालना डैम जाके हम लोग ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं करेंगे, कि ये नहीं कि हम लोग पिकनिक विकनिक कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, हम लोग बस वेट करेंगे, थोड़ा बहुत फोटोज़ अपना क्लिक करेंगे, थोड़ा इन्जॉयमेंट हंसी मजाक होगी, फिर हम लोग जब रिटर्न आएंगे तो हम लोग गिरधारी में एक स्टॉप लेंगे। स्टॉप लेने का हम लोग को मोटो ये रहेगा कि जिसको जो भी ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने ग्रुप में बताया था, जो भी अपना ब्रेकफास्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न के लिए निकलेंगे। और रिटर्निंग पॉइंट हमारा जो एंडिंग पॉइंट रहेगा वो हमारा सर्विस सेंटर रहेगा,
जहाँ पे आप लोग की गाड़ियों के लिए प्री वॉश और चेन का जो भी काम है वो हम लोग की तरफ से अवेलेबल है। सो एनी डाउट्स? तो हम लोग एक केक कटिंग का, हम लोग एक्चुअली आज हमारा जो राइड था वो कारगिल दिवस के अवसर पे हम लोगों ने प्लान किया था। तो बेसिकली कारगिल दिवस 26 जुलाई को होता है, बट 26 जुलाई को हमारा संडे नहीं पड़ रहा था और पूरा वीकडेज था, तो हम लोग ने प्लान किया कि ये संडे को उस अवसर पर हम लोग राइड करें। सो बेसिकली एक एंटरटेनमेंट और एक छोटा सा पर्पस राइड है हमारा कारगिल दिवस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द केक कटिंग, आइए। ओके, सो आप लोग से विनती है कि सबको ही आप लोग आइए, आप लोग के हाथों से केक कटिंग होगी। आइए सबको ही आइए प्लीज, इस तरफ आ जाइए आप लोग सब। ऐसे एक काम करिए ना, ऐसे करके सबको आ जाइए, ले लीजिए, आइए प्लीज, हाथ लगाइए। हम उधर साथ चलिए काटिए। ओके, सो ये केक सब खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं कट कर देता हूँ, उठाते जाइए आप लोग सबको। पहले काट लीजिए। प्लीज लीजिए लीजिए लीजिए, कोई मतलब ऐसा ये नहीं, हेजिटेशन नहीं है, आराम से लीजिए। लीजिए आप भी। अरे लीजिए ना जी, अभी हम लोग निकलने वाले हैं, सब लोग रेडी हो चुका है, तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग निकलेंगे, बारिश शुरू हो गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। पूरा रास्ते में बारिश मिलता है कि जगह जगह बारिश मिलता है, कि बारिश शुरू हो गया पूरा। अभी एक जन को फ़ोन किया जा रहा है, वो अभी तक आए नहीं है। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग निकल पड़ेंगे। जिनका प्रतीक्षा किया जा रहा था वो वहाँ से फिलहाल आ गए हैं, थोड़ा सा लेट चल रहे थे वो भी, तो अभी हम लोग राइड चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राइड हम लोग का। तो हम लोग का राइड शुरू हो गया है, चलिए आगे चलते देखते हैं। तो जैसे कि राइड तो शुरू हो गया है, बारिश लेकिन भयंकर हो रहा है। उस दिन से ज्यादा बारिश हो रहा है यहाँ, हम लोग भीग चुके हैं। अरे यार, कैमरा में बारिश, कैमरा में पानी आ रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, अभी देखते हैं।
फर्ज से भरा था बस तो वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। सफर हेलमेट में इसलिए सर अभी तक सीखा नहीं है तो अभी इसलिए मेरा पीछे का हाल दिखाते हैं आप क्या हाल है पीछे का। अरे वो पीछे का है पीछे है ये हाल है पीछे का पूरा ठीक है पूरा ठीक है। पीछे में भी फिर से जीती की तरह भी हंटर में भी पानी ऊपर आ रहा है पूरा भीग से चुके हैं पूरा बहुत अच्छा जगह है पूरा एकदम पहाड़ के बीच में है। तो फाइनली हम लोग पाना डैम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नज़ारा दिखा दे रहे हैं आपको कैसा है। अभी सब लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर अभी बाइक यहाँ पे सब खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे सब लोग फोटो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। फोटोग्राफी चल रहा है बहुत अच्छा नज़ारा सही है बहुत अच्छा। अभी इस जगह का बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है ठीक है। तो अब जैसे जैसे पता चलेगा कहाँ पर है ये जगह तो धीरे धीरे आदमी सो आता रहेगा पिकनिक स्पॉट बना देगा फिर इसको और फिर धीरे धीरे गंदगी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं कितना दिन सही से रहता है जगह तो अच्छा है बहुत बढ़िया जगह है बहुत अच्छा जगह है। चलिए अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा गिरहरी ढाबा वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट जो बोला गया सर्विस सेंटर यहाँ पर जो एल जी का है वहाँ पे जो भी पेन क्लीनिंग हो गया फिर आपका सर्विसिंग वॉशिंग जो भी है वो लोग प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ से। तो जाके फिर हम लोग वगैरह करेंगे बाकी फिर लोग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाँव का नज़ारा बहुत लोग को जो लोग शहर में रहते हैं गाँव का नज़ारा तो देख नहीं पाते वो लोग। ये हरि मंदिर है जय श्री हरि।
चेरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा मैं झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। मैंने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वे, ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब पास नहीं फिर भी जीत चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। बस हम लोग अभी गिरधारी ढाबा पहुंच गए हैं, फिर से उस जगह जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे। सब बाइक लगा लेंगे अभी एक एक करके। अभी हम लोग जाएंगे होटल के अंदर, फिर देखते हैं क्या सीन चल रहा है अंदर, कितना भीड़ है। चलिए तो हम लोग अभी जा रहे हैं गिरधारी ढाबा के अंदर। उस दिन तो आप लोग देखे थे गिरधारी ढाबा कैसा रहता है, तो और एक बार आज देख लेते हैं और एक बार देख भी लीजिए। तो जैसे कि हम लोग ऑर्डर दे चुके थे पिछली बार, हम लोग क्या खाए थे, डोसा खाए थे, मसाला डोसा। इस बार हम लोग कुछ चेंज किए, पूरी मंगाए, पूरी जलेबी सब्जी सबका सेम ऑर्डर है। ये प्लेट का प्राइस है 50 रुपीज़। चलिए खाने के बाद वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं एक एक करके, फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे सर्विस सेंटर, वहाँ पे क्लीनिंग व्लीनिंग वगैरह बाइक वॉश वॉश करेंगे, उसके बाद फिर अपना अपना घर। सब अपना अपना अभी रेडी हो रहे हैं हेलमेट वगैरह पहन के। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छुप छुपाए ऐसी जी, हम
हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए ऐसी जी ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ऐसी जी ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए ना छिप छिपाए सर्विस सेंटर में पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग वॉशिंग जो भी जिसको कराना है वो कराएगा ठीक है उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर घर निकल जाएंगे ये इंडी जी का सर्विस सेंटर नया बनाया हुआ हो सकता आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके आज रश थोड़ा जाएगा ठीक है बाकी आप लोग सबको यार बहुत अच्छा लगा ठीक है गाइड एंजॉय हुआ कम जन थे लेकिन मज़ा आया ओके सो कोशिश करेंगे कुछ और राइड्स हम लोग प्लान करते हैं ठीक है मॉडल स्पेसिफिक नहीं होगा तो कुछ और ऐसे संडे राइड हम लोग करेंगे ठीक है तब तक के लिए सब कोई को चलिए धन्यवाद बहुत बहुत एंडी जी को थैंक यू ठीक है चलिए भाजी ठीक है चलिए चलिए जैसे कि यहाँ से जो राइड ऑर्गेनाइज़ किया था वो लोग अपना काम के लिए चले गए हैं अभी हम लोग भी अभी अपना जो भी काम करेंगे उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमको सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद